देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता के लिए 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव होंगे और 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 5 साल सत्ता से दूर रहे विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। तो सत्ता में बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 2019 के महाभारत में अपने सेनापति मोदी की योजनाओं का भरोसा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान योजना के तहत हर घर में शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की। तो क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचा है और क्या इन योजनाओं की बदौलत मोदी सरकार का वोट बैंक मजबूत हुआ है? क्या प्रधानमंत्री की जनहित वाली योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में जनता उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वोट देगी? ये जानने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र ले चलेंगे। अब जबकि वोटिंग के लिए चंद ही दिन बचे हैं तो देखते हैं कि यहाँ के लोग मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर क्या कहते हैं। मैनपुरी में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में मैनपुरी में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की वापसी हुई है, लेकिन बीजेपी की ओर से कौन मुलायम सिंह यादव का मुकाबला करेगा ये अभी साफ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इसके साथ ही मैनपुरी के वर्तमान सपा सांसद और उनके पोते तेज प्रताप यादव का टिकट कट गया है। लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप अब कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तय नहीं है। हालांकि चर्चा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें एटा से उम्मीदवार बना सकती है। वहीं मैनपुरी से बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में सपा ने जहां काफी पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, तो वहीं बीजेपी के अंदर उम्मीदवार को लेकर मंथन लगातार जारी है। मुलायम सिंह यादव जैसे राजनीति के दिग्गज के सामने बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ और मैनपुरी से चुनाव जीता था, लेकिन बाद में उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी। मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी सीट छोड़ने के बाद हुए उपचुनाव में इस सीट पर उनके पोते तेज प्रताप सिंह ने चुनाव लड़ा और सांसद बने। बात 2014 के नतीजों की करें तो मोदी लहर में भी मुलायम सिंह यादव ने बड़े अंतर से बीजेपी को मात दी थी। 1996 से लेकर अब तक इस सीट से समाजवादी पार्टी 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है, जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है। कांग्रेस इस सीट से 3 बार लोकसभा चुनाव जीती है, जबकि बीजेपी का इस सीट से 1 बार भी खाता नहीं खुला है। वहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी सालों से तैयारी कर रही है। 2014 के चुनाव में जब मुलायम सिंह यादव ने जीत के बाद सीट छोड़ दी थी तो बीजेपी को उम्मीद बंधी कि मैनपुरी में जोर लगाने पर वो जीत सकती है। हालांकि 2014 में हुए उपचुनाव में भी मैनपुरी सीट पर यादव परिवार का कब्जा बरकरार रहा, लेकिन इन 5 सालों के दौरान बीजेपी को लगातार ये लगता रहा कि थोड़ी सी कोशिश करने पर वो मैनपुरी के अखाड़े में समाजवादी पार्टी को चित कर सकती है। बीजेपी के इस भरोसे की वजह पीएम मोदी की वो योजनाएं भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे गरीबों और मध्यम वर्गों को बड़ा फायदा पहुंचा है। अब जबकि 2019 के चुनाव के लिए मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ छोड़कर वापस मैनपुरी आ रहे हैं, तो इस बार मैनपुरी की लड़ाई मुलायम सिंह यादव की साख बनाम पीएम मोदी की योजना बनने की बात कही जा रही है। यादव बहुल मैनपुरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी अहम स्थान रखता है। इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी सपा के गढ़ में सेंध लगाने की जुगत में भिड़ी हुई है।
बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बदौलत वो 2019 में मैनपुरी सीट से जीत कर यहाँ अपना खाता खोल सकती है। लेकिन मैनपुरी में मुलायम को मात देना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। मुलायम सिंह यादव यहाँ से 4 बार जीत चुके हैं, जबकि मैनपुरी में आज तक कमल नहीं खिल सका है। बीजेपी सीट को जीतने के लिए कितनी बेकरार है, ये इसी बात से पता चलता है कि मैनपुरी संसदीय सीट की जिम्मेदारी बीजेपी के कद्दावर नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगहों पर जीत हासिल की थी। 2014 में मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के शत्रुघ्न सिंह चौहान को बड़े अंतर से हराया था। बीजेपी के शत्रुघ्न चौहान को 2,31,252 वोट मिले थे, जबकि मुलायम सिंह यादव ने 5,95,918 वोट लेकर बीजेपी को परास्त किया था। चूंकि 2014 में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों ही जगहों से जीत हासिल की थी, ऐसे में जब किसी एक सीट को छोड़ने की बारी आई तो उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी। मुलायम के मैनपुरी सीट छोड़ने के बाद उनके पोते तेज प्रताप यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोट के साथ जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव को 6,53,786 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्या को 3,21,239 वोट मिले थे। जब 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन ने मुलायम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी का मिशन मैनपुरी थोड़ा मुश्किल हो गया है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की पैठ कितनी गहरी है, ये इसी बात से पता चलता है कि 2014 में जब पूरे देश में बीजेपी की आंधी चल रही थी उस वक्त भी समाजवादी पार्टी मैनपुरी का किला बचाने में कामयाब रही। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा आते हैं, जिसमें मैनपुरी सदर, भोगांव, किशनी, करहल और इटावा का जसवंत नगर शामिल है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि एकमात्र भोगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकी है। अब जबकि 2019 की जंग शुरू हो चुकी है, सभी पार्टियों के खेमों में चुनावी हलचल परवान पर है, तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव की साख और पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं की अग्नि परीक्षा है। अब देखना है कि मैनपुरी में क्या बीजेपी पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं के ब्रह्मास्त्र से समाजवादी पार्टी का किला ढा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। भले ही मैनपुरी में बीजेपी आज तक जीत नहीं सकी है, लेकिन 2019 के चुनाव में उसे जीत का भरोसा है। बीजेपी के इस भरोसे की वजह पीएम मोदी की वो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि इससे मैनपुरी के गरीबों को बड़ा फायदा पहुंचा है। लेकिन क्या इन योजनाओं को सचमुच मैनपुरी में ठीक से लागू किया जा सका है? मैनपुरी में पीएम मोदी की योजनाओं का क्या हाल है और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या उनकी योजनाओं से खुश होकर बीजेपी के उम्मीदवार को अपना सांसद बनाकर पीएम मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करेगी? आइए खुद यहां की जनता से ही जानते हैं। अब लोकसभा चुनाव है, सरकार काफी दावे कर रही है कि हम जो है काफी विकास कर रहे हैं, आपके गांव में क्यों नहीं हो पा रहा है? अब ये पता नहीं हम क्या जाने, हम तो ये जाने जब हो जाएगी सुविधा तब जान लेंगे, हो गई। अब आप ऊपर वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इससे हम नहीं जान सकते हैं। आपको कोई सरकारी लाभ नहीं दिया गया? नहीं, कोई ना है, ना कोई नाली है, ना कोई सड़क है, और हमारे दरवाजे के सामने नालियां हैं, हमको निकलने की बहुत दिक्कत होती है, और ना कोई लेटरिन ना कोई फिल्सन वगैरह, हम क्या करें? और कोई सरकारी तरफ से कोई मदद मिली आपको कभी? पहले मिली जाती, अब कटी गई पेंशन मिलती थी 1500 काई की पेंशन मिलती थी, तब भी दमा मिलती थी। और आप कट क्यों गई? पता ही नहीं चला आपको? कितने सालों से कट गई? 20-25 वर्षों से नहीं मिल रही है। कोई सरकारी मदद कभी मिली आपको? कभी ना मिली। पेंशन बिटिया के ब्याह करे सोलो ना, कबू अब की करो अब क्यों ना,
तो कोई पेंशन वगैरह मिल रही है? कुछ ना मिल रहा हूँ। पेंशन नहीं बनवा रही? कुछ ना मिल रहा हूँ। कई प्रधान जी से? प्रधान जी से हर बात, कई राशन की, कई पेंशन की, कई और देखो राशन कार्ड भी नहीं है। कुछ राशन कार्ड तो यही ना, कब तो जिंदगी यही ना, कब ना मिलू हमें भाई साहब। कोई आज ना मिली कतई, न तो लेटरिन हमारे पास बनवाई, कई कई रह गए, और न हमें देखो सिलेंडर दो कतई। अच्छा। हाँ, हमारे पास कोई सूचना ना दही कतई, हम कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ ना मिलो। क्या काम करती हैं आप? काम करता जो खेती को जो इकत्तर का करता हूँ, खेती बाड़ी। हाँ, जब दराती हाथ पकड़े फिर। अच्छा। हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा काफी योजनाएं चलाई गई हैं गरीबों के लिए, किसी योजना का आपको लाभ मिला? हाँ जी, मिला है। अब गैस कनेक्शन मिला है, बिजली कनेक्शन मिला है, ये दोनों लाभ हमको मिले, और हमारे गाँव में 80% लोगों को मिले हैं। 10-20% लोग रह गए जिनको नहीं मिल पाए, और उनको भी देने की योजना प्रधान जी बना रहे हैं, और सरकार को बनानी चाहिए। करीब 3 दशक पहले जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, तभी से समाजवादी पार्टी का गढ़ बना हुआ मैनपुरी संसदीय सीट। सपा के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है। इस बार बीएसपी के साथ गठबंधन होने की वजह से समाजवादी पार्टी का हौसला पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बुलंद है, लेकिन बीजेपी को यकीन है कि मैनपुरी में पहली बार कमल खिलने का वक्त आ गया है। यही वजह है कि उम्मीदवार घोषित नहीं होने के बावजूद बीजेपी ने मैनपुरी का चुनावी इतिहास बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव पर देश भर की नजरें टिक गई है। एक तो समाजवादी पार्टी का गढ़ और उस पर बीएसपी का साथ, रही सही कसर भी गठबंधन ने मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाकर पूरी कर दी। मैनपुरी में इतने सारे समीकरण काम कर रहे हैं कि ये सीट बीजेपी के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं। मैनपुरी सीट को उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी गढ़ के रूप में भी माना जाता है। जातीय समीकरण को देखें तो मैनपुरी सीट पर यादव वोटरों का वर्चस्व है। यहां करीब 35% मतदाता यादव समुदाय से हैं, जबकि 2.5 लाख वोटर शाक्या हैं। यही कारण रहा है कि यहां समाजवादी पार्टी का एक छत्र राज चलता है। ये वो सीट है जहां 2014 में भी मुलायम ने आसानी से जीत हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने आजमगढ़ के लिए इस सीट को छोड़ दिया था, जिस पर उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव ने जीत हासिल की थी। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो मैनपुरी लोकसभा सीट देश में हुए पहले चुनाव के समय से ही चर्चा में रही है। 1952 से लेकर 1971 तक हुए देश में कुल 5 चुनाव में यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बादशाह गुप्ता मैनपुरी के पहले सांसद बने थे। इसके बाद 1971 तक मैनपुरी सीट कांग्रेस के प्रभाव में रही। हालांकि 1977 की सत्ता विरोधी लहर में जनता पार्टी ने कांग्रेस को मात दी थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकदल के रघुनाथ सिंह वर्मा यहां से विजय हुए। 1980 में हुए मध्यावी चुनाव में रघुनाथ सिंह वर्मा जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर यहां लड़े और फिर जीत गए। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सहानुभूति लहर चली तो कांग्रेस ने एक बार फिर से भारी मतों से मैनपुरी में वापसी कर ली। हालांकि 1984 में यहां से कांग्रेस की जीत आखिरी जीत साबित हुई। इसके बाद से आज तक कांग्रेस को मैनपुरी सीट से जीत नसीब नहीं हुई है। इसके बाद से ही ये सीट क्षेत्रीय दलों के कब्जे में रही। 1989 और 1991 में यहां लगातार जनता दल के उदय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की, लेकिन 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से मैनपुरी संसदीय सीट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के कब्जे में आ गई। आज स्थिति ये है कि मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला बन चुकी है। 1996 से लेकर आज तक लगातार 8 बार समाजवादी पार्टी ही इस सीट से जीत दर्ज करती आई है। समाजवादी पार्टी बनने के बाद मुलायम सिंह यादव ने यहां से 1996 का चुनाव लड़ा था और बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 1998-1999 से ये सीट समाजवादी पार्टी के बलराम सिंह यादव के पास रही। 2004 में मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर इस सीट पर वापसी की, लेकिन बाद में सीट को छोड़ दिया। 2004 में धर्मेंद्र यादव यहां से उपचुनाव में जीते। हालांकि 2009 में चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां दोबारा लौटे और सीट को अपने पास ही रखा। 2014 में चुनाव में भी मुलायम सिंह यादव ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन फिर छोड़ दी।
2014 में ही मैनपुरी में उपचुनाव हुए और समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुलायम के पोते तेज प्रताप सिंह यादव ने जीत हासिल कर सीट पर परिवार का कब्जा बरकरार रखा। अब मैनपुरी के महासंग्राम के लिए चंद दिन ही बचे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 23 अप्रैल को यहां वोट डाले जाएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या बीजेपी मैनपुरी के किले को ध्वस्त कर यहां नया इतिहास रच सकती है, या मैनपुरी के चुनावी इतिहास के पन्ने में लगातार 9वीं बार भी समाजवादी पार्टी का नाम ही दर्ज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि 2019 में मोदी की योजनाओं से मैनपुरी के चुनावी महाभारत में बीजेपी की जीत होगी, लेकिन क्या मैनपुरी में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर ठीक उसी तरह उतर पाई है जिसकी कल्पना पीएम मोदी ने की थी? क्या 2019 के चुनाव में पीएम मोदी की योजनाएं वोट में तब्दील हो पाएगी? इस बारे में क्या कहती है मैनपुरी की जनता, आइए सुनते हैं। केंद्र सरकार ने जो समस्याओं का जो गरीबों के लिए सोचा है वो बहुत बढ़िया सोचा है। जो आपने कहा है मुद्रा, जैसे कि गरीब समस्या, कोई भी अपना पढ़ा लिखा, मतलब कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी मतलब गरीब बिजनेस करना चाहता है, जैसे मुद्रा, जिसको लोन चाहिए वो लोन लेके अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। बिजनेस खड़ा करने के बाद वो दो पैसे करे, उसका रोजगार हो जाएगा, ठीक है। शौचालय जो बन रहे हैं, अब हमारे घर में नई शादी हुई है, मान लो बच्चे अब आगे चल के, मतलब बच्चे जो बाहर लैट्रिन के लिए जाते हैं, 100 बात, रात में पेट खराब हो, 100 दिक्कतें होती हैं, वो अपने घर में शौच कर सकता है, बाहर की गंदगी से भी बचेगा और घर भी साफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद कई एक जो समस्याएं, मतलब जो भी आपने मतलब पूछा है वो मोदी जी ने बहुत, हाँ, गैस वगैरह, गैस, अब गैस की जैसे उन्होंने योजना निकाली, अब गैस में पहले मतलब घर के अंदर एक साफ सफाई, पहली बात साफ सफाई, धुएं से पूरा घर काला होता था, वो भी समस्या खत्म हो गई। बहुएं अब नई नई आती हैं, मॉडर्न जमाना है सबका। तो उसके बाद आप देख रहे हो आजकल की मतलब के चूल्हे पे कौन रोटी बनाना चाहता है, कोई भी नहीं बनाना चाहता, बेशक चाहे आपकी कुछ भी हो, लेकिन उससे बहुत बड़ा लाभ है घर के अंदर। पहली बात जी, उसके साथ एजेंसी पे बीमा भी साथ साथ मिल रहा है, लाइफ का इंश्योरेंस भी साथ साथ मिल रहा है। क्या लगता है इन योजनाओं के बिना पर मोदी सरकार को यहाँ मतलब मैनपुरी में जनता लाइक करेगी, पसंद करेगी? क्यों नहीं करेगी, हम तो लाइक करते हैं। कोई सरकार पैसा दे वो कोई मिलता ही नहीं किसी को, है ना, कॉलोनी मिले ना लेटर मिले ना कोई उसको पैसा है सो मिले, मजदूरी कर कर के पेट पाल रहे, एक बीघा खेत, चार बच्चे, हम क्या खवाएं? अभी तो आदमी मेरे अंदर ने प्रत्येक घर के लिए जो है ना ये स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालय वितरण किए थे, आपको नहीं मिला? नहीं मिला। ये आपकी बार जो चुनाव में किसको आप मतदान करेंगे? किसी को वोट नहीं देंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। हमारे पास पति को खत्म है, 10 साल हो गए और हमारे पास 20 साल हो गए, मकान ना है, मैं मड़ैया में रहता हूँ, इसीलिए मैं वोट नहीं देंगे किसी को। लेकिन अभी तो जो ना काफी जो है ना आवास दिए गए हैं प्रधानों के माध्यम से और विकास कराया है भाजपा ने, तो अब फिर भी वोट नहीं मिले, आप वंचित कैसे रहेगी? तो मतलब भाई बात है, जब हमारी पूर्व सदस्य ही ना आया को तो फिर क्या हुए? साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाओं की फसल लगाई थी, अब उसमें वोट के फल लग गए हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी वोट की फसल काटने को बेकरार है। आइए आपको बताते हैं उन 5 योजनाओं के बारे में जो 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना से पीएम मोदी को उम्मीद है कि 2019 के चुनाव में ये योजना चमत्कार करेगी और बीजेपी के खाते में करोड़ों वोट जमा हो जाएंगे। जनधन योजना के तहत समाज के कमजोर तबके और कम आय वाले परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना के तहत गरीब जनता को सेविंग बैंक अकाउंट के साथ साथ कर्ज लेने, पैसा ट्रांसफर करने, इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा गया है। केंद्र सरकार के ताजे आंकड़ों के मुताबिक देश में 32.41 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा 81,200 करोड़ रुपए से अधिक है। जनधन के तहत खुले बैंक खातों में 53% खाते महिलाओं के खोले गए हैं और 59% खाते देश के ग्रामीण इलाकों और कस्बों में खुला है। इसी योजना के तहत आसानी से ट्रांजैक्शन करने के लिए जनधन खातों पर 24.4 करोड़ रुपए कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा छोटे और मध्यम कारोबारियों को बिना किसी सिक्योरिटी के कर्ज देने का प्रावधान है। ये कर्ज नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में छोटे कारोबार को बढ़ावा देते हुए रोजगार बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया और इसके तहत 5.71 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा जा चुका है। इस योजना का लाभ 3 साल के दौरान 12.27 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें 3.49 करोड़ लाभार्थियों ने नए कारोबार के लिए कर्ज लिया है। मोदी सरकार को यकीन है कि इस योजना से जिन कारोबारियों को फायदा मिला है वो 2019 के चुनाव में उन्हें वोट जरूर देंगे। उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से एनडीए को यकीन है कि उसके वोट की खिचड़ी तेजी से पकेगी। उज्ज्वला के तहत गरीबी रेखा से नीचे 5 करोड़ परिवारों को बिना किसी सिक्योरिटी राशि के एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है। लॉन्च के बाद 5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रिकॉर्ड 28 महीनों में पूरा कर लिया गया, जिसके बाद इस वित्त वर्ष के दौरान इस योजना का लक्ष्य 8 करोड़ परिवार कर दिया गया है और केंद्रीय बजट में योजना के लिए 12,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी उज्ज्वला योजना को 2019 में तुरुप का पत्ता मानते हैं और बीजेपी का चुनावी समीकरण बहुत हद तक इस योजना पर निर्भर है। प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना से पीएम मोदी को उम्मीद है कि जनता रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बीजेपी का घर वोटों से भर देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में सभी परिवारों के लिए 2022 तक घर का प्रावधान किया गया है। इस योजना को 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया और 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना के तहत पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक 1 करोड़ पक्का घर बनाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1.07 करोड़ पक्का मकान तैयार कर लिए गए हैं। इनमें से 38.20 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और बचे हुए मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बने हैं। स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालयों को इज्जत घर का नाम दिया है और उन्हें यकीन है कि जनता 2019 के महाभारत में उनकी इज्जत बचाएगी। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया और 2 अक्टूबर 2019 तक इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य तय किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को घर में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त 2018 तक 88.9% ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है। योजना को 2014 में लॉन्च करने के बाद से अभी तक 7.94 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया है। ये निर्माण 19 राज्यों के 419 जिलों में 4.06 लाख गाँव में किया गया है और इन गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। इन योजनाओं से बीजेपी को बड़ी उम्मीद है। बीजेपी को लगता है कि उनके सेनापति मोदी के तरकश के ये तीर 2019 के चुनाव में सटीक निशाने पर लगेंगे और बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।